कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती है, ये सही बात है। अगर यह बिकने वाली चीज होती तो संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति हैं, उनके पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि जिन लोगों में ये 12 लक्षण हैं, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और जिन लोगों में ये 12 लक्षण नहीं है, वह इनको अपनाकर बुद्धिमान बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें बुद्धि की महत्वता के बारे में समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है, वह जीवन में कभी भी नहीं हारता है। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है, उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती है। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है, वह थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते हैं, लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है, यह बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसीलिए अगर आपको धोखे, प्रेम या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल हुए जाने से बचना है, तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बने और अगर मूर्ख रह गए, तो यह दुनिया आपका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वह आपके किसी भी काम का नहीं रहता है, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान होता है, वह उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि सोने की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या हम बुद्धिमान हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूं। अगर ये लक्षण हमारे भीतर हैं तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरु उन्हें पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी मां के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता है, उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है, वह कभी नहीं हारता है, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है, हर चीज का अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वह हमारे जीवन में कभी ना कभी अवश्य काम आती है। जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में या फिर गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें, हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। हमें एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें असफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर हम सभी चीजों को सही तरीके से सीख ले तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे बना, उसने किन किन तरीकों को अपनाया। वहीं असफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उससे सीखकर हम वह गलती नहीं करें। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उसे सीख लें। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना जरूर चाहिए, जिस कारण हम फिर वह गलती ना करें। फिर गुरु उन्हें दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। बेटा, जिसने समय को साध लिया, समय के अनुरूप अपने आप को डाल लिया, उसने समझो अपने जीवन के साथ बहस में नहीं फंसता है। अगर उसे कोई बात उचित जीने का मंत्र जान लिया, समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें जिंदगी में सफलता की ओर लेकर जाती है। समय एक बार चला गया तो नहीं लौटता। इस दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान ना ही पैसा है, ना ही ताकत है, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता है तो यह बाकी चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित उपयोग नहीं कर पाता है। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और समय के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर समय रुक जाए तो यह संपूर्ण प्रकृति चक्कर ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते, वह बस उस काम को अलग तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय के प्रत्येक हिस्से को जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं।
दुनिया में असफलता का कारण है। समय पर सही कार्य नहीं करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करें। समय का महत्व पूरे संसार के जीव जंतुओं और मनुष्य के लिए एक ही है, क्योंकि समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे आप एक बार खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर उसे आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सभी लोगों को समय के महत्व को समझना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा करें लगातार अपनी रफ्तार से चला जा रहा है। कोई राजा हो या कोई फकीर हो, समय ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। हम सभी को हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने हर काम को समय के अनुसार करना चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। अकेले रहने वालों में अलग ही खूबियां होती हैं। देखो बच्चों, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां अवश्य होती है, लेकिन उस खूबी का पता हमें तभी चलता है जब हम अकेले में रहकर अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। जो लोग लोगों के बीच फंसे हुए रहते हैं उनको अपनी खूबियों के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि वह दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वह किसी से प्रभावित नहीं होता है और वह वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने खुद के निर्णय खुद लेता है, और जो लोग भीड़ में रहते हैं वह लोगों से पूछ पूछ कर निर्णय लेते हैं जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं, और उन बातों को सुनकर कभी कभी हमारे भीतर नकारात्मकता भी आ जाती है, जैसे कि इसमें तो ये खूबी है, ये मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसने तो ऐसा कर दिया, ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। और यही सोचकर फिर हमारा मन दुखी होता रहता है, जबकि अकेला इंसान खुश रहता है अपने लिए गए निर्णय के ऊपर, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं है कि वह क्या कर सकता है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो व्यक्ति अकेला रहता है वह अपने बारे में अच्छे से जान सकता है, वह अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको भटकाने वाला उसके आसपास कोई भी नहीं है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वह अपने काम स्वयं करता है, जिससे उसके सभी काम समय पर पूरे भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अच्छे से पता होता है कि यह दुनिया स्वार्थी है। अगर हम किसी से थोड़ी भी मदद लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमें हमेशा वह गिनाता रहेगा, इसीलिए वह कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप बात ही ना करें। कम बोलने से का मतलब यह है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोला जाए। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं। वह उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है। वह लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके ही अनुसार उसको जवाब देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उस बात से काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। वहीं मूर्ख लोग बिना किसी बात के बकबक करते रहते हैं। वो सामने वाले की बात को सुनने की जगह अपनी बात सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी नया जानने का मौका नहीं मिल पाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करता है, वह किसी नहीं लगती है तो वह वहां से चुपचाप निकल जाता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति और ज्यादा बहस करने लगता है, और फिर वो इसी बहस में वह कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे ही बोलना चाहिए था, और फिर वह उसके मुसीबत का कारण बन जाती है। बुद्धिमान लोग उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता होती है, जितना उचित होता है। वह कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर देती हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनते हैं। वहीं मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता रहता है, बार बार बोलता रहता है, जैसे लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और ना ही उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं। शब्द वो हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। शब्दों के साथ खेलकर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं, और यह कला बुद्धिमान लोगों में बखूबी होती है। फिर गुरु पांचवा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन का भी किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसीलिए वह अपने खुद की बातें, अपनी कमजोरियां, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते हैं। वही मूर्ख लोग अपने मन की बातें, अपने घर परिवार की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, उन्हें भी वह अपने मित्र को
पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर वह उसके लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को मौका दिया है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये संसार बड़ा स्वार्थी है। यहाँ पर लोग एक दूसरों की कमजोरियों का फायदा ही उठाते रहते हैं। लोग साथ कम देते हैं और धोखे ज्यादा देते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी और मजबूरी जानकर उसका फायदा नहीं उठाते। फिर गुरु छठा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं और वह निरंतर सिर्फ उसी पर काम करते रहते हैं। वही मूर्ख लोग एक ही समय में न जाने कितने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जिस तरह से हम एक साथ बहुत सारे वस्त्र धारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम एक साथ बहुत सारे कार्य भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग यह भली प्रकार जानते हैं कि वह एक समय में सिर्फ एक ही कार्य कर सकते हैं। वह विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखते हैं और उसी पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिससे उन्हें सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाती है। वहीं मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य से निर्धार कर लेते हैं और फिर नतीजा यह होता है कि उनका एक भी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता है। क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे लक्ष्य पर कार्य करते हैं तो हमारा जो समय होता है उनमें बराबर बराबर बट जाता है, जिससे हमारा एक भी काम पूरा नहीं होता है और फिर हम हर कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। वहीं एक लक्ष्य रखने से हमारा पूरा ध्यान उसी पर होता है, जिससे हमारा पूरा समय सिर्फ उसी पर लगता है और हमारा कार्य पूरा हो जाता है। फिर गुरु सातवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्य अलग अलग हैं, सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं, सभी में सोचने और समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और यह बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए वह कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते हैं। जिस प्रकार से एक आम का पौधा सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता है, वैसे ही एक मनुष्य में सभी प्रकार के गुण मौजूद नहीं है। सभी में अलग अलग प्रकार के गुण, अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद होती है और वह उन गुणों के अनुसार ही सफल बन पाता है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं कि उसके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसने तो ये कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? उसने व्यापार में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब भी मैं व्यापार करता हूं तो मुझे तो नुकसान ही नुकसान होता है। यही सब नकारात्मक बातें उसे फिर कभी सफल नहीं होने देती हैं। अपनी तुलना दूसरों से कर वह फिर दुखी होता रहता है और अपने भीतर के गुण को कभी नहीं पहचान पाता है कि उसमें क्या गुण है। वही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करता है। वह दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और अपने स्वयं की प्रतिभा को पहचान कर सफल बनता है। फिर गुरु आठवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। वो ना किसी से उम्मीद रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं। किसी भी दूसरे के भरोसे वो नहीं बैठते हैं कि वह मेरे इस काम को पूरा कर देगा, जिससे उनका काम समय पर पूरा हो जाता है और वह निश्चित रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपने अधिकतर कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वह यह उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि मेरे इस काम को वह पूरा कर देगा, और जब उनका काम समय पर पूर्ण नहीं होता है तो वह चिंता में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह दूसरों के काम को पूरा करें। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा, और अगर दूसरों से रखोगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। वो अपने काम स्वयं पूरे करते हैं। फिर गुरु नौवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने आप में नहीं रहता है, वह ऐसे गलत काम कर बैठता है जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद होता रहता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वहीं मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी होता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, वह सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है। वह कभी किसी बात की चिंता नहीं करता, वह सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है। वह बिना बात की चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करता,
क्योंकि कि उसे भी पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था हो गया और जो होना है होकर रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाता है और तनाव में आ जाता है, उसका जीवन मुश्किल और परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख लोग सदैव अतीत व भविष्य के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहते हैं, जिसके कारण वह अपने वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें जिता तक लेकर जाती है और फिर का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। फिर गुरु दसवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वो सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीजों और घटनाओं को जांचते हैं, परखते हैं, वह सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों ना कर ले, उसको बहकाने का चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की करनी और कथनी में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्य और सबूतों पर विश्वास करता है। वह अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करता है। वह लोगों की बातों की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जल्दी से कोई धोखा नहीं दे सकता। वहीं मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ख बना देता है और उसका फायदा उठा लेता है, या फिर उनसे गलत काम भी करवा देता है, उसे किसी के भी खिलाफ भड़का देता है। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए उससे बड़ा दूर रहता है। इसीलिए वह खुद को कभी भी इन आदतों का शिकार नहीं होने देता है, क्योंकि काम को टालने की जो आदत है वह इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। यह वह मानसिक बीमारी है जो कि ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी सफलता का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही होती है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा हर काम में आलस कर जाते हैं। वह हर काम को कल पर टाल देते हैं, जिस वजह से उनका कल जो है वो कभी नहीं आता है और ऐसा करते करते उनकी आधी उम्र निकल जाती है और जब तक उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर गुरु 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफल होने पर कभी हार नहीं मानते हैं, बल्कि वह अपनी हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उसे सीख कर पुनः अपने काम में वापस जुड़ जाते हैं। वह कभी भी अतीत में मिली हुई सफलताओं के सहारे नहीं बीतते हैं और ना ही उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीता हुआ कल और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वह आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग यह जानते हैं कि सफलता कुछ ही नहीं होती है, बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है जो उन्हें उनकी गलतियों के बारे में, उनकी कमियों के बारे में बताती है, जिनसे सीख लेकर वह अगली बार और भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यानी बुद्धिमान लोग जो हैं वो असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, फिर डर के मारे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जैसे से वह सफलताओं से कोसों दूर रह जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? अब मंत्री तो राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने कहा कि राजा साहब, कैसी बात करते हैं, आप नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान नहीं हुए? राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाठ तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बात बताओ मंत्री जी, क्या मैं बुद्धिमान हूं? तो मंत्री जी ने कहा, नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। ये बात सुनकर राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने गुस्सा किया नहीं, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान आदमी कैसा होता है? तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, मैं बुद्धिमान तो कोई हूं नहीं, इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम यहां के राजा हैं, आप नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान आदमी हो वह हमारे राज्य में आ जाए, उसको राजा साहब बुला रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि राजा साहब, बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता है, इसीलिए अगर हम ढिंडोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा महल मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी ही अपने आप को बुद्धिमान कहलवाएगा और वह अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहां आकर अनाप शनाप बातें करेगा, इसीलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद मंत्री जी रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि बुद्धिमान आदमी हमारे राजा के पास आ जाए।
दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। यदि हम यह तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बुद्धिमान आदमी हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है। मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे नगर में एक ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा ने जो कभी ना सुनी हो ऐसी बात हमें आकर बताएगा तो हम उसको 1,000 मोहरे देंगे। ये सुनने के बाद राजा थोड़ा हैरान सा हुआ। राजा ने कहा, मंत्री जी आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाएं? ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने सुनी नहीं है, और कोई व्यक्ति आकर हमें ये बातें बताएगा तो हमें 1,000 मोहरे देनी होंगी, और भला वह व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है। मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। अगर हमें कोई भी नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि यह बात तो हमने पहले से सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1,000 मोहरे नहीं देनी होंगी। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होगा वह हमसे कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वह आदमी मोहरे पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा और हमें वह 1,000 मोहरे देनी ही पड़ेगी। यदि कोई ऐसा आदमी हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही आदमी बुद्धिमान होगा। उस राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया तो बहुत सारे लोग आने लगे, राजा को नई नई बातें बताते हैं। हर बात को सुनकर राजा यही कहता है कि भाई ये बात तो मैंने सुनी हुई है। दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे हैं, क्योंकि 1,000 मोहरों की लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता तो कोई व्यक्ति बहुत ही दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि ये बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है, ये बात तो मैंने अपने पिताजी से सुनी है। ऐसे करते करते बहुत लोग आए और हर आदमी की बात सुनने के बाद राजा यही कहता कि यह बात तो मैंने सुन रखी है। थोड़े दिन बाद एक साधु राजा के दरबार में आता है और कहता है कि राजा साहब, क्या नई बात बताने पर आप यहां पर मोहरे बांटते हैं? राजा ने कहा, हाँ हम कोई नई बात बताने पर उसको मोहरे देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी सुनी ना हो। साधु ने कहा कि ठीक है राजा साहब, ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वह यहां के राजा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको भी पता नहीं होगा। पृथ्वी सिंह जी जब यहां के राजा थे उस समय हमारे नगर में एक अकाल पड़ा था, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और राजपाट में धन की कमी हो गई थी, और मेरे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा ने मेरे दादा से 2,000 सोने की मोहरे उधार ली थी। मेरे परदादा जी हमेशा कह करते थे कि यदि पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को 2,000 मोहरे लौटा देते तो हम कभी गरीब नहीं रहते। अब देखो ना राजा साहब, मेरे परदादा जी ने आपके दादाजी की मदद की, इसीलिए हमारे परदादा गरीब हो गए, फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे, और मेरा भी एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, और इसीलिए मैं साधु बन गया। मुझे पता था कि यदि मैं आपके पास आऊंगा तो आप वह मोहरे वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने वह बात सुनी ही नहीं, लेकिन आपने यह कहा कि कोई नई बात मुझे बताएगा तो 1,000 मोहरे मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको यह बातें बताने आ गया ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब यह बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि यह साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा फंस चुके थे। अब राजा अगर यह कह देते हैं कि यह बात मैंने नहीं सुनी तो शर्त के मुताबिक 1,000 मोहरे उस आदमी को देनी पड़ती, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंडोरा पिटवाया था कि कोई नई बात मुझे बताओ, और यदि राजा यह कह दें कि यह बात तो मैंने पहले से सुन रखी है तो फिर तो 2,000 मोहरे उसे वापस लौटानी पड़ेगी। अब राजा भी समझ चुका था और मन ही मन हंस भी रहा था कि बुद्धिमान आदमी ने किस तरह हमें फंसाया है। उसके बाद राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, हम तो यह देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज्यादा कोई बुद्धिमान आदमी है तो हम उस बुद्धिमान आदमी को पकड़ लेंगे, और देखो हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद सारी बात साधु को भी समझ में आ गई थी। साधु ने कहा कि राजा साहब, मैं तो बस इस होड़ को खत्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हो तो पूरे नगर में किस तरह की भागदौड़ मच गई, सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखो ऐसा कितना दिन चलेगा, यदि वो अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को खत्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने यह तरकीब अपनाई। उसके बाद वह राजा कहते हैं, साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी होता कैसा है?
कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं। उसके बाद वह साधु बाबा कहते हैं कि वैसे तो बुद्धिमान आदमी को पहचानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताता हूं जिससे आप एक बुद्धिमान आदमी का पता लगा सकते हैं, और यदि यह गुण आपके अंदर है तो आप एक बुद्धिमान आदमी हो, और यदि आपके अंदर नहीं है तो इन गुणों को पहचान कर आप बुद्धिमान बन सकते हो। उसके बाद वह साधु बाबा कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी का सबसे पहला गुण होता है कि वह हर काम को समय के अनुसार करता है, फालतू समय को भी उपयोग में ले लेता है, और इसके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करता है। बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह चीज है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वह हर काम की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलसी नहीं होते, वह अपने काम को टालते नहीं हैं। आलस्य को वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वह खुद को इन आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होता है, वह होता है कि उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वह समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए माफ कर देना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। यदि बुद्धिमान आदमी के सामने कोई आदमी गलती भी कर देता है तो वह उसको सिर्फ जाता है, न कि उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं और बुद्धिमान आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। यदि वह गलती कर भी लेता है तो उसे पता होता है कि यह गलती मैं एक ही बार करूंगा, उस गलती को दोबारा से कभी दोहराऊंगा नहीं। कहते हैं कि एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन वही गलती कोई इंसान अगर दोबारा दोहराता है तो वह इंसान नहीं, वह मूर्ख होता है। इसीलिए बुद्धिमान यदि गलती कर भी देता है तो वह एक बार ही करेगा और उस गलती से बहुत कुछ सीख भी लेगा। तीसरा गुण बुद्धिमान आदमी के अंदर जो होता है कि वह कभी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेता, क्योंकि उसे पता है कि गुस्से के अंदर लिया हुआ फैसला कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसमें हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है, खुशी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं और उस वक्त जो भी हम फैसला लेते हैं वह उत्तेजना के वश होकर लेते हैं और उत्तेजना में लिया गया फैसला पछतावे का कारण बनता है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी जानता है कि ना तो गुस्से में कोई फैसला लेना चाहिए और ना ही ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेना चाहिए। इसीलिए जब बुद्धिमान आदमी कोई फैसला लेता है तो वह बैठकर शांति से धैर्य से सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा। वह दोनों परिणामों को अच्छी तरह से देखता है, सही को भी देखता है और गलत को भी देखता है। यह भी देखता है कि इसका फायदा क्या होगा और यह भी देखता है कि इसका नुकसान क्या होगा, और उसी के बाद कोई फैसला लेता है। चौथा गुण जो बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है वह होता है कि वह अपने मन की बातें कभी किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कभी भी हमारा शत्रु बन सकता है। वह अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत किसी के सामने नहीं बताते, लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें, ऐसी बातें जो दूसरों को बतानी नहीं चाहिए, उनको दूसरों को बताते रहते हैं। उसके बाद वो बातों की वजह से फंस जाते हैं, उन्हें दुख मिलता है, धोखा मिलता है, फिर वह उस परेशानी में पड़ जाते हैं, दूसरे लोगों को दोष देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान आदमी ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि घर के भेद या अपने भेद दूसरों को बताएंगे तो इससे हमारा ही घाटा होगा, हमें ही नुकसान होगा। पांचवा गुण जो एक बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है कि वह सब लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल आदमी सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वह बातें बता सकता है जिसे सीखने में उन्हें सालों लग जाते हैं। एक बुद्धिमान आदमी सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक होती हैं। क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है, ये चाणक्य ने भी कहा है। इसलिए हमें दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से भी सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। छठा गुण जो बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है
वह यह कि यदि वह कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य के पूरा होने तक किसी को भी नहीं बताते, लेकिन जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वह काम शुरू करने से पहले ही डिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी वाहवाही होगी और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और पहले ही उसका ढिंडोरा पीट देते हैं तो बाद में उस काम के नाकामयाब होने पर हमारी बेइज्जती होती है। लोगों की नजर में हम असफल आदमी की श्रेणी में आ जाते हैं, और यदि हम अपने काम को शुरू करते वक्त किसी को उसके बारे में बताते नहीं हैं तो काम पूरा होने पर लोगों को खुद ही पता चल जाएगा और वही लोग बोलेंगे कि यह आदमी कितना शांत है, अंदर से कितना अहंकार शून्य है कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और यही लोगों की सोच समाज में आपको प्रतिष्ठावान बनाती है। सातवां गुण जो बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है वह होती है कि बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता, वह हमेशा शिष्य बनकर रहता है, गुरु कभी नहीं बनता। क्योंकि जब आदमी कोई गुरु बन जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह दूसरों को सिखाता तो है लेकिन खुद कभी नहीं सीख पाता। लेकिन बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को सीखने से रोक नहीं सकता, वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। क्योंकि दुनिया में कुछ भी सीखना हो तो हम छोटा बनकर सीख सकते हैं, बड़ा बनकर, अहंकार से भरकर, अपने आप को बुद्धिमान समझकर कोई चीज सीखी नहीं जा सकती है। इसके बाद वो साधु महात्मा कहते हैं कि इसीलिए राजा साहब आपने इतना अच्छा तरीका निकाला। एक बुद्धिमान आदमी को पकड़ने के लिए यदि आप सीधे ही लोगों को यह बताते कि कोई बुद्धिमान हो और हमारे राज्य में आ जाओ तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते, क्योंकि बुद्धिमान आदमी नहीं आता, क्योंकि वह अपने आप को बुद्धिमान मानता ही नहीं है। और यह बुद्धिमान आदमी का सबसे बड़ा गुण होता है। आठवां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी में होता है वह यह कि बुद्धिमान आदमी अपने हर काम को ध्यान बना लेते हैं। बुद्धिमान आदमी को पता होता है कि दुनिया में कुछ भी संग्रह कर लो, यहां पर कुछ संग्रह करने जैसा है नहीं, क्योंकि मौत के बाद हम एक भी सुई अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसीलिए वह ध्यान और आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्व देते हैं। वह ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे उनका हर काम ध्यान बन जाए। बुद्धिमान आदमी किस तरह अपने हर एक काम को ध्यान बना लेता है उस पर हमने एक वीडियो, एक कहानी पहले ही बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नौवां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी की पहचान होता है वह यह कि बुद्धिमान आदमी बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता। चाहे कितना भी बुरा समय हो, चाहे कितना भी अच्छा समय हो, वह स्थिर बने रहते हैं, वह शांत बने रहते हैं, और यही उनकी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान होती है। आम आदमी थोड़ी सी खुशी मिलने पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, या फिर थोड़ा सा दुख मिलने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन एक बुद्धिमान आदमी जानता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। यही समय की आदत है, यही समय की फितरत है। समय कभी भी बदल सकता है, अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है। इसीलिए वह दोनों पहलुओं को सोच के चलता है और दोनों पहलुओं से बाहर आकर उन पहलुओं को देख पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय या फिर जिस भी विषय में आप कहानी सुनना चाहते हैं उसके बारे में लिखकर हमें जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।